अरम्बुल की शाम रशियन पर्यटकों के नाम। तो अगर आप भी गोवा में रशियन पर्यटक देखना चाहते हैं तो गोवा के इस फेमस बीच पर शाम के समय जरूर आना चाहिए। तो अगर आप शाम के समय नहीं आ रहे हो तो आप एक बहुमूल्य समय मिस कर रहे हो जो कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि गोवा में सनसेट के समय या फिर ये कहें अरम्बुल बीच में सनसेट के समय बहुत ही ज़्यादा रशियन पर्यटक इकट्ठा होते हैं और उनका जो गैदरिंग पॉइंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मीन्स गैदरिंग पॉइंट ऑफ रशियन पीपल इन अरम्बुल बीच, गैदरिंग पॉइंट ऑफ रशियन पीपल इन अरम्बुल बीच। तो उसी तरफ मैं अभी चल रहा हूँ। मैं अभी गया था मांडरम बीच और मांडरम बीच से मैं चल रहा हूँ अरम्बुल बीच की ओर। वो जो हिल दिख रही है वो अरम्बुल बीच के मेन एंट्रेंस के पास है और अभी मैं मांडरम से अरम्बुल की तरफ चल रहा हूँ, मतलब मांडरम बीच टू अरम्बुल बीच। और इसी बीच में जो है रशियन पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। ये देखो रशियन लड़की का नंबर ले लिया, ये देखो रशियन का नंबर ले लिया, ये भाई बहुत खुश हो गया है इसने। तो ऐसे ही आपके अंदर अगर एबिलिटी है ना तो आप भी ले सकते हैं और गोवा की जो ट्रिप है उसे मनोरम बना सकते हो। तो नॉर्थ गोवा की अगर बात की जाए तो नॉर्थ गोवा का जो सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला बीच है वो है अरम्बुल बीच, लेकिन बागा बीच पर भी लोग आते हैं और कलंगुट बीच पर, लेकिन उसमें इंडियन एंड यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जो अरम्बुल बीच है इसमें रशियन सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूरोपियन और इंडियन सबसे कम आते हैं। ये देखो इंडियन लड़कियां सुट्टा का मज़ा ले रही हैं। तो ऐसे ही आपको लोग दिख जाएंगे यहाँ पे। अब मैं पहुँच गया हूँ, ये है गैदरिंग पॉइंट ऑफ रशियन पीपल इन अरम्बुल बीच। ये देखो ये रशियन और ये कहाँ पे होता है, अरम्बुल बीच में लव टेंपल जो एक फेमस रिसोर्ट है, फेमस रेस्टोरेंट है, फेमस होटल है, उसके सामने। ये देखो लग रहा है कि रशियन लोग यहाँ पे सब्जी मंडी लगा रखे हैं, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो अभी अरम्बुल बीच की इवनिंग टाइम आप देख रहे हो और अरम्बुल बीच की नाइट लाइफ इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। मीन्स अगर आप गोवा की रियल नाइट लाइफ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अभी फ़िलहाल शाम को 6:30 बज गए हैं और अभी रात तक मैं वेट करूँगा और यहाँ की नाइट लाइफ भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आपको गैदरिंग पॉइंट पता चल गया, लव टेम्पल पता चल गया कि लव टेम्पल क्या है, एंड बहुत सारी चीज़ें नॉर्थ गोवा के बारे में पता चल गई। अब अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, फेमस बीचेज ऑफ नॉर्थ गोवा, कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं।